रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतर के अंदर सांस लेने से मना फरमाया है। खाने को फूंक मारकर ठंडा करने से मना फरमाया है। पानी तीन सांस में बैठकर और दाएं हाथ से पीने की ताकीद फरमाई है। खाने के इख्तिताम पर पानी पीने की बीमा नेमत फरमाई है। पानी खाने के आकाश में पीना सबसे अफजल है। खाने में नुक्स निकालने से मना फरमाया है। जो चीज़ पसंद ना हो उसको नहीं खाओ, मगर बुरा मत कहो। खाने पीने से पहले बिस्मिल्लाह और इख्तिताम पर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने की ताकीद फरमाई है। खाना और पीना तो रोज का काम है, तो क्यों ना हम ये काम हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात करते हुए करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम ऐसी कौम है कि जब तक भूख ना लगे नहीं खाते, और जब खाते हैं तो पेट भरकर नहीं खाते। एक औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई तो आपने उनसे फरमाया, फिर आइयो। उसने कहा, अगर मैं आऊं और आपको ना पाऊं तो? गोया वो वफात की तरफ इशारा कर रही थी। आप सल्लम ने फरमाया, अगर तुम मुझको ना पा सको तो अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास चली आना।